कैसी हो दादी? क्या ढूंढ रहा है राधे? इत्र की बोतल दादी, मालिक ने मंगाई है। यहीं तो रखी थी मगर अभी मिल नहीं रही है। अगर राधे को मैं शादी का सही मतलब उसके सही मायने समझा पाई तो शायद। दादी दादी, आपको पता है वो इत्र की बोतल कहाँ रखी है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप ही के कमरे में रखी हुई थी मगर अभी मिल ही नहीं रही है। आपको पता भी मैं कौन से इत्र की बात कर रहा हूँ? वो हिना वाला इत्र जो आपको भी बहुत पसंद है और मालिक को भी। पहले बताया होता तो आप तक लेकर जा चुका होता। ये ले। वैसे तो किस लिए मांग रहा था ये? मालिक ने इसे सुहागरात वाले कमरे में छिड़कने के लिए कहा है। उन्हें इसकी खुशबू बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि इससे उनका मूड बन जाता है। बस राधे बस, तुझे होश भी है कि तू क्या बोले जा रहा है? आज तेरी सुहागरात है। तो तेरी सुहागरात के दिन तुम्हारे कमरे में इत्र छिड़कवाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब तू समझ रहा है राधे? तेरी शादी हुई है, तेरी शादी हुई है अमोली के साथ। तू उसका पति है, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। और हक कभी अकेले नहीं मिलता राधे, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। अमोली तेरी पत्नी है, तेरी अपनी जिंदगी है, तेरा अपना एक वजूद है। उसके साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, यहाँ तक कि तेरे मालिक को भी नहीं। एक पल के लिए अगर तुझे मालिक तुझसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो उसके इरादे उसके अंजाम के बारे में सोच। तू मर्द है, एक शादीशुदा मर्द, अब तुझे वैसे ही बर्ताव करना होगा। तेरे और अमोली के रिश्ते के बीच में अगर कोई आता है तो उसे रोकना होगा। रिश्ता जोड़ा है तो अब निभाना भी होगा ना। अमोली अपने घर पर, अपने आई बाबा, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई है, तो तुझे उसका भरोसा रखना होगा। तू समझ रहा है ना? तुझे उसकी रक्षा करनी होगी राधे, तुझे अमोली को बचाना होगा। अपनी बेटी की कीमत समझकर रख लो, या उसकी मुंह दिखाई समझकर। अच्छा लगा। अच्छा था। बहुत अच्छा। Vodafone presents Big Boss Colors Bar अगला प्रोग्राम। Different banking solutions from HSBC, the world's local bank. एक छोटा हॉलिक्स न्यूट्रीबार। ये लो। अरे कुछ तो शर्म करो। वीट है, राइस है, ओट्स है, प्योर हनी और 11 वाइटल न्यूट्रिएंट्स।